हेलो दर्शकों नमस्कार, 7X हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज चैनल में मैं सुबीर कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज की ताज़ा खबरों की शुरुआत जिला यमुनानगर से कर लेते हैं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि 7X हरियाणा न्यूज चैनल की सभी खबरों को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल प्रिय दिन है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दर्शकों आज है 20 जुलाई गुरुवार और यमुनानगर ब्रेकिंग न्यूज़ में सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है वह भ्रष्टाचार की निकल कर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि शराब कंपनी का AGM गिरफ्तार किया गया है, पूरे गोलमाल के लिए रजिस्टर भी यही मेंटेन करता था। DSP साहब ने कोर्ट में पेश किया है, 3 दिन का रिमांड जो है लिया गया है। पूछताछ में कई सुराग मिलने की जो है उम्मीद जो है जताई जा रही है। और आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रकरण में अभी तक जो है 12 लोगों की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। खबर को यदि विस्तारपूर्वक बताएं तो कुछ इस प्रकार से है। अंबाला की NV इंटरनेशनल डिस्टिलरी से जगाधरी के लिए निकली शराब की 2 गाड़ियों के खेल का भंडाफोड़ होने के बाद पिछले 1 महीने में धीरे धीरे कर इस मामले में अब तक 12 की गिरफ्तारी हो चुकी है। गुरुवार रात SIT ने शराब की कंपनी के AGM को दबोच लिया है, जिसे कोर्ट में पेश कर उसका 3 दिन का रिमांड भी हासिल कर लिया है। माना जा रहा है कि इस प्रकरण में होने वाले पूरे गोलमाल की जानकारी भी यही रखता था और पूरे मामले का रजिस्टर यही मेंटेन करता था। पिछले महीने 21 जून को CI2 व आबकारी टीम ने थाना छप्पर क्षेत्र में एक ही गेट के पास 1200 शराब की पेटी लेकर आ रहे कैंटर को पकड़ा था। इसके बाद इसमें लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। पहले ही दिन में इसमें कैंटर चालक राम अवतार के अलावा जगाधरी में शराब गोदाम के मुंशी सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था। अगली खबर हमारे पास जो है जठराना से निकल कर आ रही है। एक ही रात में 3 जगह से सामान चोरी और इसमें जो है केस भी दर्ज किया गया है। अगर खबर को विस्तारपूर्वक बताएं तो कुछ इस प्रकार से है। खबर जो है जठराना की है। चोरों ने क्षेत्र में एक ही रात में 3 जगह चोरी की। चोर बाइक टुल्लू पंप पर दुकान के गल्ले से नकदी मोबाइल चोरी कर ले गए। पुलिस ने शिकायत कर अज्ञात के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में गांव संधाला निवासी राकेश कुमार ने बताया कि वह नगर निगम यमुनानगर में बतौर सफाई कर्मचारी कार्यरत है। 17 जुलाई की शाम करीब 5 बजे वह अपनी बाइक घर पर खड़ी की थी। घर अभी नया बनाया गया इसलिए गेट नहीं लगाया हुआ था। अगले दिन सुबह 5 बजे वह कमरे से बाहर आया तो बाइक वहां नहीं मिली। वहीं इसके साथ ही चोरों ने पड़ोसी सुरेंद्र कुमार के पशु बाड़े में से टुल्लू पंप जो है चोरी कर लिया और इसी के साथ स्थित जो है एक रेत की जो दुकान है उस पर भी जो है चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। वहां पर भी नकदी व मोबाइल चोरी कर लिया गया है। पुलिस ने जो है केस दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चाढ़ोरा कस्बा से अगली खबर जो है हमारे पास निकल कर आ रही है। यहाँ पर एक बारिश भी नहीं झेल पाया 7 लाख रुपये से बना नाला। खबर को यदि विस्तारपूर्वक बताएं तो कुछ इस प्रकार से है। गांव कल्याणपुर में जिला परिषद कोटे से बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाया जा रहा नाला वीरवार रात हुई तेज बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया। ग्राम पंचायत कल्याणपुर अंटारी के गांव कल्याणपुर में जिला परिषद कोटे से लगभग 7 लाख रुपए की लागत से 350 फीट का नाला बनाया हुआ था, जिसकी अभी तक निर्माण कार्य समाप्त भी नहीं हुआ है। इस नाले की एक दीवार टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों ने नाले में निर्माण के प्रयोग की जा रही सामग्री को लेकर सवाल उठाए। ग्रामीणों का कहना है कि इस निर्माण सामग्री की जांच के बाद जिम्मेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि इस नाले के पानी की निकासी कम होने की वजह से गांव के मुख्य ग्राम की हालत तालाब जैसी हो चुकी है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला यमुनानगर में अगली जो खबर जो है बड़ी राहत भरी निकल कर आ रही है, जिसमें जिले को मिले 86 अतिथि अध्यापक। सोमवार को ज्वाइनिंग के आसार, शिक्षकों की कमी कुछ हद तक होगी पूरी। खबर को यदि विस्तारपूर्वक बताएं तो कुछ इस प्रकार से है। जिलों को 86 अतिथि अध्यापक मिले हैं। पंचकूला में काउंसलिंग के दौरान इन शिक्षकों यमुनानगर का चयन किया गया है। शिक्षा विभाग ने इन्हें यमुनानगर अलाट किया है। शुक्रवार को करीब 35 अतिथि ज्वाइनिंग के लिए सेक्टर 18 स्थित DEO कार्यालय पहुँचे। DEO के बाहर होने की वजह से ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकी। अब सोमवार को अतिथि अध्यापक को DEO की ओर से ज्वाइनिंग कराने की संभावना है। DEO पंचकुला की ओर से यमुनानगर DEO को इन अतिथि अध्यापकों के नामों की लिस्ट भेजी गई है। इन शिक्षकों को यमुनानगर के उन स्कूलों में नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं जिनमें शिक्षकों की संख्या 0 है। इसके बाद उन स्कूलों को शामिल किया गया है जहां बच्चे अधिक संख्या में हैं। शिक्षक एक ही कार्य कर रहा है। सेक्टर 18 में मिले शिक्षकों के ने बताया कि उन्होंने आज ज्वाइनिंग के बारे में बताया गया था। वे दिए गए समय पर पहुँच गए थे। यहाँ पता चला कि आज DEO बाहर हैं। अब सोमवार को उनकी ज्वाइनिंग हो सकेगी। शिक्षकों का कहना है कि जब DEO को बाहर जाना था तो उनको एक दिन पहले भी बताया जा सकता था, उनका समय बच सकता था। बता दें जिले के सरकारी स्कूल में 600 के करीब शिक्षकों की कमी है। इन अतिथि अध्यापकों के आने के बाद काफ़ी हद तक शिक्षकों की कमी दूर हो सकती है। विभागीय नियम अनुसार 30 विद्यार्थियों पर एक, 60 पर 2, 90 पर 3 शिक्षकों का प्रावधान है। जिले में ऐसे भी स्कूल हैं जिनमें विद्यार्थी 20 हैं।
उनमें एक शिक्षक तैनात है। ऐसे भी स्कूल हैं जिनमें विद्यार्थी 500 के करीब हैं, शिक्षक दो ही हैं। इन शिक्षकों के आने से के बाद स्कूल में सुधार होने की उम्मीद बताई जा रही है। दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि यमुनानगर ब्रेकिंग न्यूज़ आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके विचार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आप लगातार हमारे चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ आप लगातार आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, जिला यमुनानगर, बिलासपुर।